दादी, शीला, अरे देखो फोन बज रहा है। हेलो, यस, कोई बात नहीं, मुझसे कहिए, मैं उसे बता दूंगा। आई एम सॉरी सर, आप जो कह रहे हैं वो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है और वो जवाब भी नहीं दे सकते। यस, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बोलिए ना। इज इट? आई डोंट बिलीव दिस। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। यस, हाँ, मैं भाई को बता देता हूं। हैप्पी न्यूज। बट अभी नहीं बताऊंगा। यस, कहाँ भाग रहे हो? बचपन में वो रोड पे पेंटिंग करता था, फिर भी यहाँ तक पहुँच गया। जरा सोच कर देखिए, उसमें जो सबसे बड़ी खूबी है वो है मैनेजमेंट। वो डेफ एंड डम्ब है, ये किसी को बताना नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उससे बात करने लगे तो वो चिंगम मुंह में डाल लेता है और चबाते हुए एक्शन में जवाब देता है। इस तरह बिना बात किए ही इशारों में उसका काम चल जाता है। इतना ही नहीं, वो सामने वाले के लिप मूवमेंट देखकर उसकी बात समझ जाता है। यू नो, ही इज अ, अब क्या बताऊं, ही इज अ मैन लाइक नन अदर। सर, आपके लिए वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं सर। सब वेट कर रहे हैं सर। कुड यू प्लीज गिव अस अ स्माइल? Excuse me, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। हाँ? आपसे कुछ बात करनी है मुझे, प्लीज। ओह, क्या है, बोलिए। देखिए, जो बोलना है सीधा साफ साफ बोल देता हूँ। I love you. क्या हुआ, आप इतना हंस क्यों रही हैं? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। इसीलिए तो हंस रही हूँ। मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। कितनी खूबसूरत हो, कान में वॉकमैन लगा के म्यूजिक सुनते हुए तुम्हारा ये चलना, ये चलने का अंदाज, आई एडमायर यू, आई लव यू लाइक एनीथिंग प्रिया। ओह, इसने तो सवाल करना शुरू कर दिया, अगर सच्चाई बता दी तो भाग जाएगी। नो, ड्रिंक? नेवर। दूसरी कोई आदत? मैं अच्छे परिवार से हूँ। सो, आपको कोई बुरी आदत है ही नहीं? नहीं, कोई गलत आदत नहीं। सॉरी, फिर मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। क्यों? डेली कैलेंडर देखने की आदत है मुझे। अरे, कैलेंडर और प्यार का क्या संबंध है? कैलेंडर में डेली दो लाइंस आती हैं, एक अच्छी होती है, एक बुरी। ऐसी लाइंस रहती है उसमें कि अच्छा कुछ होने वाला है तो बुरा कुछ होने वाला। अच्छा? है, मैं रोजाना देखती हूँ। आज अगर मौसम अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है, कल को अगर आप बदल गए तो। आप ऐसे क्यों सोचती हैं? उसमें ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिसका अस्तित्व नहीं होता है, और वैसे भी कौन सा हम अमर हो क्या है। वही तो, मैं भी यही कह रही हूँ। आप कितने अच्छे इंसान है, कल को अगर आप बुरे बन गए तो। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ ना। नो, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। जो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा उसमें कुछ अच्छी आदतें होनी चाहिए। बताऊँ कैसी आदतें? बोलिए। जिसे वो पहले स्मोक करता हो पर अब उसने छोड़ दिया हो।
जैसे कि वो पहले ड्रिंक करता हो पर अब ना पीता हो, और उतना ही नहीं, पहले किसी से प्यार करता हो लेकिन अब उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग जाने की तैयारी में लगा हुआ हो, या तो फिर उसकी याद में बर्बाद हो चुका हो, यहाँ वहाँ भटकता रहता हो, उसकी याद में गाने गाता हो। बस ऐसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए मुझे, जानते हैं क्यों? क्यों, ये सब मजाक है क्या? अरे मैं अपने सपने के बारे में बता रही हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है? जाइए यहाँ से। हाँ जाइए, जाओ। देखो मैं फिर अनाप सनाप बोल दूंगा। हाँ? क्या बोलोगे बताओ, बोलो बोलो, तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी। ये लड़की मुझसे पटने वाली नहीं है, ये जैसा चाहती है मैं उसके मन मुताबिक भी नहीं हूँ, इससे अच्छा इससे पीछे ही छुड़ा लूँ, भाड़ में जाए इसका गाना। ए, तू एक नंबर की बोरिंग है, अपना हेडफोन कान पे लगा और निकल ले, बड़ी आई हीरोइन बनने वाली, चल जा। तूने तेरा तो मुंह तोड़ दूंगी, चल जा, तुझसे अच्छी तो मेरी मारिया है। मारिया, मारिया। रास्कल, पता नहीं क्या बकवास कर रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, लग रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। गुस्सा लगा थी ना अब। Everybody, welcome to Computer Point. I'm Roshni. आप सबको पता है ये 6 months का कोर्स है। अगले 6 महीने में आप सबको हमारी तरफ से पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सामने जो कंप्यूटर है, आप लोग उसे देख लीजिए कि आपको उसमें क्या समझ आता है और क्या नहीं। बोला था नाम सुधा है, उम्र 20 साल, कार्टून डबिंग आर्टिस्ट, काम ढूंढने आई हो, एक बार नहीं 2 बार बोल दिया है, अब देखते हैं कि वो कब आपको बुलाते हैं, जैसे ही वो आपको बुलाएंगे हम आपको बता देंगे। बता देंगे मतलब? जब बोला था तभी बुला लेना चाहिए था। देखो कैसे घूर रहा है, पागल कहीं का, फालतू में हमें यहाँ बिठा रखा है। हाँ या ना बोलता तो काम हो गया होता, पैसे की चर्बी है, लोगों को इंतजार करवा कर मजे लेता है ना? गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। सर अब सर मैं बाहर क्या बोल रही थी, ऑफिस का डेकोरेशन कितना सुंदर दिख रहा है, कंपनी के MD भी कितने यंग हैं और उनका टेस्ट भी कितना अच्छा है, बस यही बोल रही थी। नहीं खाली तो बैठे हो, जल्दी से बुलाकर इंटरव्यू लेकर हमें छोड़ देते। सॉरी सर, मैं बोल रही थी पागल, घमंडी। नहीं सर, गलती हो गई, मेरी फैमिली है, माँ है, छोटा भाई है, सबकी जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरे पापा भी नहीं है, सब लोग मेरे ही भरोसे हैं सर, वही तो बोल रही थी ना, एक बार मौका देकर तो देखिए ना सर, अच्छा काम करूंगी, डिग्री होल्डर हूँ सर, BCOM किया है, फर्स्ट क्लास में पास हुई थी सर। मजाक में ऐसे ही बोल दिया सर, गलत मत सोचिए प्लीज। सर थैंक यू सर। I am a beggar boy, भाई साहब, I am a beggar boy. Oh Raja, you have to give me पैसा. I am a beggar boy. Excuse me, ladies and gentlemen, my name is Vicky. In 1988 में एक फ्लाइट क्रैश में मेरा एक पैर कट हो गया।
जयपुर में जाकर मैं नकली पैर लगवाने के लिए पिछले 10 सालों से डोनेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। हेलो प्लीज ओ सिस्टर, पैसे इधर उधर मत डालिए, पैसे यहाँ पर डालिए। उसके बाद आप अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए। जो अपना एड्रेस नहीं देता मैं उससे पैसे नहीं लेता। आपको पता है जब मैं अपना नकली पैर लगवा लूंगा तो पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाला हूँ। फिर आप सबका पैसा आपका घर ढूंढकर ब्याज के साथ वापस करूंगा। हेलो प्लीज दीजिए ना पैसे। ओ भाई यहाँ पे क्यों खड़ा है, यहाँ कोई डांस शो चल रहा है क्या है? पैसे डाल आगे निकल। ये ले 10 पैसे। हेलो एक्सक्यूज मी लेडीज एंड, रुको पहले ये बताओ तुम्हारी टांग कैसे कटी? हाँ? वो तो सुबह से बता रहा हूँ, प्लेन क्रैश में मेरी टांग चली गई, समझे? हाँ? कौन सा साल? 1988। जाबे भाई और बहनों, ऐसे बताएगा तो कैसे चलेगा? कौन सी जगह कहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था ये तो बता, तुम्हारे साथ कौन कौन था, पूरी डिटेल्स बताओ यार। अबे देने को 10 पैसे और तुझे एक्सीडेंट का जियोग्राफी और हिस्ट्री सब कुछ बता दो क्या बे? है 10 पैसे में जितना बताना था बता चुका हूँ, समझा क्या? ओह सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये सब नहीं चलेगा, 10 पैसे डाला है, पूरी डिटेल्स तो बतानी पड़ेगी, उसी हक से पूछ रहा हूँ, चलो बताओ। ए लाख लाख रुपए फाइनेंस कंपनी में डालने वाले समुद्र के किनारे कोई झोपड़ी देखकर वहाँ पे सेटल हो जाते हैं और तू 10 पैसे डालकर उसका पूरा हिसाब मांग रहा है, चल भाग यहाँ से। ये ले अपने पैसे और दोबारा दिखना मत। हाँ, 10 पैसे डाला तो 1 रुपए मिले। तेरे जैसे भिखारियों को मैं ही भीख देता हूँ। आई एम ए बेगर बॉय, आई एम ए बेगर बॉय, गिव मी पैसा, आई एम ए बेगर बॉय, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हेलो हेलो। ये लो 10 पैसा और जाके अपना थोड़ा इलाज करा। थैंक यू ओल्ड मैन, अपना एड्रेस लिख करके जाइएगा। रहने दो बेटा, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, तुम ऐसे यहाँ पे खड़े रह के परेशान हो, ऐसे ही एक ही टांग पे खड़े रह के सुबह से तुम लगातार चिल्ला रहे हो, थोड़ा रेस्ट कर लो बेटा नहीं तो तुम्हें दर्द होगा। मुझे दर्द होगा ओल्ड मैन? हाँ बेटा तुम्हें काफी दर्द होगा। तो फिर पैर बदल कर खड़ा हो जाओ। क्या हुआ ओल्ड मैन, आपको तो हार्ट अटैक आ गया? लड़की की बात सुनकर चारों धाम पे निकल चुका है, वो वापस लौटेगा भी नहीं। देखो मेरा काम था समझाना, बहुत कुछ जानता हूँ। क्या गोल्ड रिंग पीते हुए बात करेंगे, पैसे आप दे देना। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे भाई मैं आपको क्या बताऊँ, वो लड़की खूबसूरत है इसलिए सभी उससे प्यार करना चाहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, खूबसूरती से सभी प्यार करते हैं। आप पीजिए। एनीवे आई एम शिवा। ओह थैंक यू, आई एम सेल्समैन विकी। क्या सेल करते हो? सब कुछ सेल कर देता हूँ मैं, मेरे सामने जो कुछ भी आए। इतनी पढ़ाई लिखाई करके आजकल फ्रॉड का काम कर रहा हूँ मैं। मैं एक बहुत बड़ा बैट्समैन बनना चाहता था लेकिन एक वेस्टमैन ने मुझे सेल्समैन बना दिया। सिर्फ गली गली घूमना मेरा काम है, जो पैसे कमाता हूँ वो कपड़े की धुलवाई में ही सारे खर्च हो जाते हैं, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। उसके लिए मैं हिम्मत करके कुछ जुगाड़ करता हूँ, कभी मांग लेता हूँ कभी चुरा लेता हूँ मैं। क्या चोरी? तुम्हें करंट क्यों लग रहा है भाई, आजकल तो ये सब फैशन में है। तुम जिंदगी में खुश हो इसलिए प्यार ढूंढ रहे हो, मुझे भूख लगती है तो मैं राहगीर ढूंढता हूँ। मेरी एक हेल्प कर सकते हो? बिल्कुल करो। गुड मॉर्निंग, कौन सी बुक पढ़ रही हो? कोई तो बुक पढ़ रही होगी, लाइफ में कुछ बनना है ना, पर मैं उसके लिए नहीं आया हूं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, पर मैं यहां नहीं कह सकता, बाहर चलकर बात करें। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम उससे प्यार करते हो है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर और क्या कहना चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूँ वो छोड़िए, ये बताइए आपको किसने कहा कि मैं आई लव यू बोलने वाला हूँ? अब छोड़िए भी ना। ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मैंने कहा था आपसे बात करनी है, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको आई लव यू कहने वाला हूँ?
देखिए बेकार में बहस मत कीजिए, आपको जो कहना है वो कहिए, क्या कहना चाहते बताइए मुझे। जब से आया हूँ बोलने दे नहीं रही हो, और कह रही हो कि बोलो। मुझे डिस्टर्ब क्यों किया बताइए। ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपको रीजन बताना होगा। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आई लव यू बोलने वाला हूँ, टेल मी, ये आपने सोच कैसे लिया बताइए। ओके, आप बार बार मुझे देखकर स्माइल करते हैं। बिल्कुल, रोड पे अकेली लड़की बड़बड़ाती हुई जा रही हो तो हंसी नहीं आएगी। ओके, मेरी कंप्यूटर बुक में टेंशन नहीं होगा ऐसा किसने लिखा है? हाँ, मैंने ही लिखा था, पर आई लव यू थोड़ी लिखा है, ये लिखा है टेंशन मत लो। कहाँ आई लव यू, कहाँ टेंशन मत लो, उसका और उसका क्या संबंध है? आप भी मेरी तरह कान में वॉकमैन लगाकर। वॉकमैन सिर्फ आपके सुनने के लिए नहीं बना है, ये इंस्ट्रूमेंट दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना गानों का मजा लेने के लिए बना है, पता है ना? देखिए, तो क्या आप मुझसे यहाँ पर झगड़ा करने के लिए आए हैं? क्या कहा, मैं तुमसे झगड़ा कर रहा हूँ? देखिए, इससे भी पहले मुझसे एक लड़की ने कहा था कि मुझे कुछ काम है, और फिर उसने ऐसी वैसी बात क्या कहा था? आई लव यू कहा था। तो आपने क्या कहा था? ये जानकर आप क्या करेंगे? ये क्या, आप अपने मन में अपने बारे में क्या सोचती रहती है? खूबसूरत हो, ठीक है, आप अपने बारे में जो सोचना चाहे सोचिए, पर मेरे बारे में क्या सोचती है? सड़क पर जाने वाली हर आती जाती लड़की को आई लव यू बोलने वाला लोफर समझ रखा है? आई एम नॉट दैट काइंड। तो फिर कैसे है आप बताइए? ए, सुनो, आप कहीं जाना मत, इसे निपटा कराता हूँ। तुम विक्की हो ना? तुम शिवा नहीं हो, ऐसा मत कह देना। मैं शिवा ही हूँ यार। शिवा, विक्की, कौन है ये लड़का? आई मीन लड़की। कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए? क्या तुम अमजद खान जैसे दिखते थे, अब तो बिल्कुल सूख गए। क्या करूं यार, चार चार बच्चे हो गए मेरे, उसके बाद मैंने एक और शादी कर ली, फैमिली बहुत बड़ी हो गई और मैं सूख गया। अरे तुम कैसे हो यार, तुम्हारे बाल बच्चे सब ठीक तो है ना? हा? नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई। क्या कहा, अभी तक शादी नहीं की तूने? तेरे और सोना के बीच जो इतना गहरा प्यार था, अब तक शादी करके 10-12 बच्चे पैदा हो जाने चाहिए थे यार। उसने सुन लिया क्या? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं नहीं, तो अभी भी सही कह रहा है। क्यों यार, क्या हुआ भाई? है सोना चली गई। ओ अच्छा। ये सुनने के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तू कैसा है? देख, शाम को 6 बजे हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना? ये ले, मेरा कार्ड रख ले, देख तू आना जरूर। हाँ, मैं तेरा इंतजार करूंगा। अच्छा, धोखा मत देना, बहुत सारी बातें करनी है हमें, ठीक है? सिस्टर मैं चलता हूँ। देख, ये होटल छोला यहाँ से जा सकता हूँ ना? जाना। वैसे मेरा कोई काम नहीं है, मैं इधर से जाता हूँ। I'm sorry, मुझे कुछ पता नहीं था और बिना जाने मैंने आपका दिल दुखा दिया। आपकी सोना मर चुकी है क्या? No. तो वो चली गई ऐसा काम? हाँ चली गई, छोड़कर चली गई। क्यों? मैं क्या बता सकता हूँ, उसका साथ पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं छोड़ा। यू नो, मैं चेन स्मोकर था, पर उसे ये पसंद नहीं था, और उसके लिए मैंने छोड़ भी दी, यहाँ तक कि ड्रिंक्स भी छोड़ दी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था, और किया भी, देखो ना, सब कुछ छोड़ दिया। वो कहती तो उसके लिए जान भी दे देता, वो मुझे पसंद भी करती थी, लेकिन वो चली गई। हाँ चली गई, मैं उससे कितना प्यार करता था, और वो अभी तक उसी का नाम लेके जी रहा हूं। क्या देख रहे हो, मैं उदास नहीं दिख रहा हूं क्या? दाढ़ी नहीं बढ़ी यही ना? भले मैंने उसके लिए दाढ़ी ना बढ़ाई हो, लेकिन मेरे दिल में कितना दर्द है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। अगर शॉर्टकट में कहूं तो मैं बिना दाढ़ी वाला देवदास हूं। ओके, इट्स ओके, आई एम सॉरी, अपना दर्द बताकर मैंने आपको भी दुखी कर दिया। यस, दुख पहुंचाया है आपने। हेलो, कौन है? Who is it? कौन है? मैं प्रिया। प्रिया, प्रिया, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, आपने मुझे सोचने पर मजबूर किया। अरे वाह ईश्वर, तू ग्रेट है यार। मैंने क्या किया? आपने कुछ कुछ किया है, मैं आप ही को याद कर रही थी, जानते हैं? मुझे याद कर रही थी? आपको, मतलब आपके और आपकी सोना के बारे में सोच रही थी, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। ए? ये तो अलग ही रूट पे जा रही है। सुनिए ना, मुझे एक हेल्प चाहिए आपकी। क्या? मुझे आपकी सोना को देखना है। क्या कहा? मुझे आपकी सोना को देखना है। उसे तो मैंने भी नहीं देखा। What? I'm sorry,
जब मैं ही नहीं देख सकता तो तुम कैसे देख सकते हो? बस यही कह रहा था। आप ना बड़े बुद्धू हैं। कौन, मैं? हाँ, उस दिन आपने कहा था ना, मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैं आपसे कह सकती हूँ। अब मुझे सोना से मिलना है। मुझे सोना की एक छोटी सी फोटो भी दिखाइए। अब दाढ़ी बिना के देवदास बनकर घूमते हैं तो एक छोटी सी फोटो नहीं रख सकती। कल क्लास आने से पहले आप एक फोटो लेकर आइएगा, ठीक है? ओके ओके, गुड नाइट। मुझे पता है तुम बेवकूफ हो, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ हो ये नहीं पता था। फोटो कहाँ से लाऊं? क्या बोला? फोटो मांगी उसने। मेरे पास एक शमशाद बेगम की फोटो है, तू ले जाकर वही दिखा दे। मेरा आइडिया काम कर जाएगा, सच कह रहा हूं। बेकार की बातें मत कर, मुझे क्या करना है वो बता। अगर वो पता होता तो मैं इतना बकता क्यों भाई? ओ भाई, बाइक वाले जरा गाड़ी रोक। तुझे सोना की फोटो चाहिए ना? भाई तो कह रहा हूँ। एक मिनट रुक जा, मैं इंतजाम करता हूँ। हाय 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 हाय। आप लोग यहाँ कितने लोग काम करते हैं? 30 लोग हैं। एक दिन में यहाँ कितना बिजनेस होता है? 30,000। टोटल बिल्डिंग का कॉस्ट क्या है? 2 crores। टोटल आप लोगों की वैल्यू क्या है? 5 crores। वो सब तो ठीक है, जानना क्यों तुम्हें? अरे कुछ नहीं, बस एक पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो के लिए सब जानना जरूरी है क्या? वो तो मैं थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर रहा था। आप जाकर रेडी कीजिए, मैं पीछे से आता हूँ। ये तो हो गया, लड़की का क्या करूं? क्या हुआ सर? एक खूबसूरत लड़की की फोटो है क्या? मेरी फोटो दूंगे? बच्चे को डराना थोड़ी है। लगता है बात बन जाएगी, इसे कैसे भी निकालता हूँ। हेलो, फोटो नहीं निकलवानी क्या? सॉरी, फालतू स्टूडियो में फोटो नहीं खिंचवाता मैं। देखा, ऊटी का बैकग्राउंड है। लड़की इतनी खूबसूरत है कि देखकर चक्कर आ जाए लोगों को। ये कैसे मिली तुझे? अंदर गया, वहाँ एक आदमी को देखा, उसके कंधे पर हाथ लगाया, जैसे ही घूमा मैं ये फोटो लेकर के चुपचाप बाहर। भाई तू मेरा दोस्त है, अब यही फोटो वाली आज से तेरे लिए सोना। बड़ा बेवफा निकला, मैंने ही साथ दिया, मुझे ही डिवोर्स दे दिया। ए वेट 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 वेट, अब दीजिए दीजिए ना, लाइए मेरे हाथ में रखिए। बहुत खूबसूरत थी। कहाँ मिले थे आप लोग? कंप्यूटर क्लास में। ऊटी में, ऊटी में फोटो, फोटो में मिला था। फोटो में ऊटी, ऊटी में मिला था। देखते ही प्यार हो गया होगा ना? Is it love at first sight? This is love at second sight. Second sight? बताओ ना मुझे, कहाँ मिले थे तुम लोग? बताओ ना प्लीज। बताता हूँ बताता हूँ। मॉर्निंग 6 o'clock, ऊटी में वो हल्की सी ठंड, सुहाना सा मौसम। मैं जॉगिंग करके आ रहा था, पैर ठंडे थे और मैं मजे से दौड़ रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने येलो टी शर्ट पहनी हुई थी। कौन सा कलर? येलो कलर की। पैंट का कलर क्या था? ब्लू। ठीक है, आगे बोलो। मुझे अब भी याद है, वहां सिर्फ मैं नहीं था, कुछ और लोग भी जॉगिंग कर रहे थे। अचानक मेरे दिल में कुछ आया और मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां दूर से एक लड़की दौड़ती हुई चली आ रही थी। वो सोना ही होगी ना? उसे करीब से देखने का मन किया और मैंने अपनी स्पीड को 4, 3, 2, 1 में बदल दिया। धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। वो नजदीक आई और तितली की तरह फटाक से मुझे क्रॉस करके आगे चली गई। मैं भी अपनी स्पीड 2, 3, 4 करके उसे मैनेज करके उसकी तरफ भागा। वहां पर जाकर देखा तो वो बहुत बहुत खूबसूरत थी। बहुत खूबसूरत। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? झूठ, आई कांट बिलीव इट। ओके, मान लेता हूँ तुम जैसा सोच रही हो वैसे ही हुआ। एक लड़की को आपने ऐसे ही देखा? मेरी बात सुनो, मैं सच बोलना चाहता हूँ लेकिन तुम्हें पसंद नहीं है तो झूठ बोल देता हूँ। बोलो, सच बोलूं या झूठ बोलूं? ठीक है, सच बोलिए। मैं क्या कह रहा था, उसे देखते देखते
मैं पीछे की तरफ दौड़ रहा था, तभी उसने मुझे कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके पहले ही मैं एक गड्ढे में गिर गया। तब पता चला वो यही कहना चाहती थी कि मेरे रास्ते में गड्ढा है, बचकर चलो। फिर उसने मुझे हाथ देकर उठाया और हमने साथ दौड़ना शुरू किया। रुकिए रुकिए, लव इट सेकंड साइट बोलकर ये क्या कहे जा रहे हैं आप? हाँ, वही तो बता रहा हूँ। जॉगिंग वॉकिंग करते, वॉकिंग जॉगिंग करते एक स्टॉप आया और हम लोग वहाँ पर रुक गए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हम पहुँचे थे वहाँ से दो रास्ते जाते थे, एक राइट और एक लेफ्ट। कौन किस तरफ जाएगा पता नहीं। वहाँ पर उसने मुझसे कहा, इस रास्ते पर जाएंगे, थोड़ा आगे चलकर बुके शॉप आएगा, सोना नाम का। मुझे ये सब क्यों कह रही है? क्यों आपको कोई बुके चाहिए क्या? अरे ये नहीं कह रही, वो हमारी ही शॉप है। तो फिर सोना? वो मैं ही हूँ। आई एम शिवा। उसने मुझसे हाथ मिलाया, मैंने भी हाथ मिलाया। हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। लव एट सेकंड साइड कहा था ना, वही बता रहा हूँ। मेरी बात सुनो प्रिया, जब मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो उसके चेहरे की तरफ नहीं देखता। देखो ना, तुमसे कितनी देर से बात कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारे चेहरे की तरफ देखा नहीं। मैं ही नहीं, अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। इसी तरह मैंने भी सोना से बहुत देर बातें की, फिर भी ढंग से चेहरा नहीं देखा। ढंग से उसका चेहरा देखने का मन कर रहा था। उसे देखने के लिए मैंने बुलाया, सोना। मैं उसके करीब गया, उसे छुआ, वो शर्माई। इसी तरह आई टू आई उसे देखा, वैसे उसका फोटो निकाल। कैमरा था, मेरी आंखों का लेंस ओपन हो गया। मन के डार्क रूम में साफ किया और दिल में डेवलप किया। ए प्रिया, प्रिया। It's interesting, very interesting. हेलो डैडी। हाँ बेटी, कैसी हो तुम और तुम्हारा चेन्नई कैसा है? अच्छा है, लेकिन आज कैसा रहेगा ये मैं नहीं जानती। मैं मुंबई से उमा के घर से बोल रही हूँ, कल उमा की शादी है। ओ ऐसा क्या, उसे मेरी भी विशेष दे देना। ओके। अच्छा तुम शादी कब कर रही हो? जैसे एक लड़का मिल जाएगा। इंडिया में पढ़ने के लिए भेजा था बेटा, अच्छे से पढ़ाई करके वापस आ जाओ। तुमने कहा बीएससी करूंगी, कर ली। कंप्यूटर सीखना है तो तुम वो भी कर रही हो। अब अचानक ये मत कह देना कि मैं शादी भी कर रही हूँ। डैडी देखो, तुम तो दूल्हा देखती नहीं हो, कम से कम मुझे ही देख लेने दो। ओके, मैं किसी से प्यार करने वाली हूँ, चलेगा? अरे वो एक ही मिलना मुश्किल है। वो एक मिल चुका है पापा। क्या कहा, मिल गया? और ये कह रही हो कि तुम उसे प्यार करने जा रही हो? ओके, करीब करीब लव करने जा रही हूँ, ठीक है? ये करीब करीब क्या मतलब? अच्छा सुनो, तुम उससे प्यार करती हो, ये बात तुमने उससे कही कि नहीं कही? नहीं। क्यों? वो किसी और लड़की से प्यार करता है ना। डैडी मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? तुम मुझे घुमा क्यों रही हो? वो किसी और से प्यार करता है तो फिर तुम उससे कैसे प्यार कर सकती हो? वो जिससे प्यार करता था वो लड़की उसे छोड़कर जा चुकी है, वो अब उसके बारे में सोचता रहता है, देवदास बन चुका है। तुम मुझसे 5000 किलोमीटर दूर बैठ के मुझे बेवकूफ मत बनाओ, फोन रखो। क्यों री, किससे बातें कर रही थी? डैडी के साथ। क्या कहा? कल तेरी शादी है बता रही थी तो पूछ रहे थे कि मैं कब शादी करूं। तुमने क्या कहा? जो तुमसे कहा था ना वही उनसे भी कह दिया। उन्हें भी कंफ्यूज कर दिया क्या? दादी बड़े भैया नहीं है तो देखो छोटे भैया कितना सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहा है क्या नहीं वो तो उसे ही पता, नंबर आने पर पता चलेगा। बड़ा भाई कोलकाता से कब आ रहा है? अरे दादी बड़े भैया कोलकाता नहीं मुंबई गए हैं।
क्या यही लड़की गुम हुई है क्या? नहीं, इसे ढूंढना है। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। आप जो बोल रहे वो अलग है और मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग है। ये कौन है हमें नहीं पता, लेकिन इनका एड्रेस ढूंढना है। ओ, और क्या काम है? हमारे एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए इनको मॉडलिंग के लिए चुना गया है। इनको देखते ही फोटो क्लिक कर दिया था। एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस में अच्छा पैसा है। ये प्राइवेट डिटेक्टिव की जॉब बेकार है। प्लीज कम टू द पॉइंट। ठीक है, पॉइंट पे वापस आते हैं। मैं तो शुरू से पॉइंट की ही बातें कर रहा था। क्या सर, बिना काम के खिड़की पे खड़े हैं? खिड़की पे ऐसे खड़े होने से लड़की नहीं मिलती है सर। आइए बैठिए। बैठिए ना सर, बैठिए। एक आदमी बहुत दूर से, मतलब चेन्नई से मुंबई मेरे पास आया। एक लड़की से प्यार कर बैठा था। मुझे उसे ढूंढने का काम दिया था। वो बहुत ही ग्रेट है। कौन? मेरे गुरु बजरंगबली, राम सेवक बजरंगबली। सर अभी आपको कितना चाहिए? 1 करोड़। डरो मत, मैं फीस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। शहर की पॉपुलेशन देखिए, मुझे 50,000 रुपए और अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, फिर प्रभु के आशीर्वाद से उसका पता ढूंढ के आपको दे दूंगा। कमान कमान पिकअप कमान। हेलो, कैन आई स्पीक टू शिवा? प्रिया, कौन बोल रहा है? कोई भी हो उससे क्या? कैन आई स्पीक टू शिवा? मैं शिवा ही बोल रहा हूँ, आप? शिवा? प्रिया? हाय शिवा, कैसे हो तुम? प्रिया, इससे पहले कौन बात कर रहा था? मैं। तुम? हाँ। पहले जो आवाज थी वो तुम्हारी थी? हाँ, मैं आवाज बदल कर बात कर रही थी। अरे बाप रे, क्या गजब का टैलेंट है तुम्हारे पास, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। दरअसल मैं स्कूल कॉलेज में मिमिक्री किया करती थी। ऐसा क्या? अरे वाह, बिना ट्रेनिंग के इतना अच्छा कर लेती हो। अच्छा ये बताओ, बॉम्बे में फ्रेंड की मैरिज कैसी रही? वो सब ठीक रहा, पर मैं तो आप ही के बारे में सोच रही थी। जरा खुलकर बताओ ना, मेरे बारे में, मतलब सोना और मेरी बात ना। हाँ, आपको सोना को देखकर प्यार हो गया, आपका सेकंड साइट प्यार था, और उसके आगे की कहानी मैं सुनना चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी फ्रेंड की शादी में जाना पड़ा। अब मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सब, लेकिन कैसे जानू समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए ना कब मिलेंगे। ओ, बहुत सारी बातें करेंगे। फ्रेंड है भाई। हेलो हेलो, इशिवा क्या हुआ? लगता है मेरी लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, हम कल बात करते हैं। ओके ठीक है। ओ, बहुत सारी बातें। गुड नाइट। गुड नाइट। आज सोना की कहानी दूसरे तरीके से सुनाऊंगा। कैसे? कैसे मतलब? शिवा, इतना बुरा मत मानो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी हो। क्या है ये? किससे सिखा ये? ऐसे ही, जब खुश होता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ। किसने सिखाया ये? ये मैंने खुद से ही सीखा। झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? इतनी सी बात के लिए क्या झूठ बोलना? मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, जरूर ये सोना की आदत होगी। अरे वाह, ये तुमने कैसे पता लगा लिया? इतनी बड़ी खिलाड़ी हो। यस, बड़ी खिलाड़ी। तुम्हें कोई उल्लू नहीं बना सकता। पागल पागल पागल। अच्छा तुमने कभी सुना को आई लव यू कहा था? बोला है। कैसे? आई लव यू ऐसे बोला। क्यों, कहां, कैसे बोला? ड्यूटी की एक सुनसान जगह पर मैं उसे लेकर गया। लवर्स के लिए जात पात माँ बाप इन सबसे प्रॉब्लम नहीं होती है, लवर्स की प्रॉब्लम होती है। लवर्स, जैसे मैं तुमसे लव करता हूँ, तुम मुझसे लव करती हो क्या? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, है ना, डर लगता है कहीं वो गलत ना सोच बैठे। मैं ऐसा नहीं हूँ प्रिया,
लवर्स को आई लव यू बोलना होता है तो वो डायरेक्ट नहीं बोलता, फ्रेंड्स को फोन करके कहेगा मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम कुछ करो यार, फिर कोई स्टोरी बनाएंगे, फ्रेंड को उसमें शामिल करेंगे और आई लव यू बोल देंगे। वो कैसे? ट्रिंग 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 ट्रिंग। क्या ट्रिंग ट्रिंग? एक छोटा सा गेम है। अब तुम सोना नहीं हो, तुम मेरे फ्रेंड विक्की हो, तुम अभी चेन्नई में हो, मैं ऊटी से उसे फोन कर रहा हूँ। ओके ओके गुड। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो। हाय विक्की। अबे शिवा। अबे मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, अबे ही बुलाऊंगा। क्यों, कहाँ से बोल रहे हो? ऊटी से। जा बे फूल। क्यों? अरे ऊटी क्यों गया, दूसरी कोई जगह नहीं मिली क्या? नहीं, ऊटी पुराना है लेकिन वहाँ एक नयापन देखने को मिला है। क्या नयापन? यहाँ मैं एक लड़की से मिला हूँ। लड़की? तेरा मतलब गर्लफ्रेंड? उसे गर्लफ्रेंड मत बोल यार, वो देवी है, माई ड्रीम गर्ल। उसका नाम है सोना। सोना क्या? नाम कुछ छोटा नहीं लग रहा? उसका सिर्फ नाम ही छोटा है, बाकी कुछ भी छोटा नहीं है मेरे यार। आई मीन उसकी सोच बड़ी है, मन बड़ा है, यही कह रहा था। और ये सब टेंपरेरी है या लाइफ लॉन्ग? लाइफ लॉन्ग, मैं बहुत सीरियस हूँ। प्यार करते हो, उसे बता दिया क्या? नहीं नहीं बताया। क्यों? डर की वजह से। डर? किस बात का डर? अगर उसने गलत सोच लिया तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो ना। डर किस बात का, चुपचाप बोल दो, तुम्हें पता चल जाएगा। वो गाली तो नहीं देगी ना? नहीं देगी। ओके थैंक्स विक्की। ओके बाय बाय। सोना आई लव यू। ट्रिंग 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 ट्रिंग। पिक अप पिक अप। अभी तुम मेरी फ्रेंड उमा हो? ओके ओके। हेलो। क्या है री, क्या बात है? पहले ये बताओ कैसी हो? हाँ मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अचानक एक फैसला करना था इसलिए अचानक फोन किया। क्या फैसला करना तुम्हें अचानक? वो ना, मैं किसी से प्यार करती हूँ। ये बात है, लड़का कैसा है? अच्छा है, हैंडसम है, कलर भी अच्छा है, अच्छा इंसान दिखता है, झूठ भी नहीं बोलता, बहुत ही अच्छा है। हरिश्चंद्र? हाँ, तुम बिल्कुल उसे हरिश्चंद्र की औलाद कह के पुकार सकती हो। एक लड़की ना उससे प्यार करती थी लेकिन वो उसे छोड़कर चली गई, अब बेचारा देवदास बनकर घूमता रहता है, हमेशा उसी के बारे में सोचता है। अब ऐसे इंसान को तो अच्छा इंसान ही कहेंगे ना। तुम बोल रही हो तो अच्छा ही होगा। एक तरह से देखा जाए तो वो लड़की कैसे चली गई होगी पता नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। बट उस लड़की पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं उसे थैंक्स भी कहना चाहती हूँ, उसी की वजह से तो इस लड़के से मेरी मुलाकात हुई है। यही मौका है, सही फैसला कर, जज्बात में फैसला मत कर। सुनो क्या तुम प्रिया, तुम क्या इतनी देर से मेरे बारे में बात कर रही थी? हाँ, मैं आप ही के बारे में बात कर रही थी। प्रिया तुम क्या कह रही हो, तुम मेरी सोना बन के बोल रही हो? नहीं, 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 आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपके प्यार के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मैं सारे शर्म छोड़ कर कह देती हूँ आई लव यू शिवा। ये मुझसे नहीं होगा, मैं सोना से ही लव करता हूँ। अरे वो तुम्हें छोड़कर चली गई ना, उसने तुम्हें छोड़ा, तुम उसे छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, लॉजिकली देखा जाए तो ये करेक्ट है ना? अगर लॉजिकल बात करें तो करेक्ट है, लेकिन इसके लिए मेरा दिल नहीं मान रहा है। कभी ना कभी उससे मिलकर मैं उससे कितना प्यार करता हूँ ये उसे बता कर रहूंगा। ये सब बताने का क्या फायदा है, यहाँ मेरे फायदे के बारे में सोचना। देखो शिवा, वो चली गई है, अब तुम उसे भूल जाओ। ये मुझसे नहीं हो सकता, ये हाथ किसी और को नहीं छू सकते, ये होठ किसी और को किस नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हो तुम, कब से उसी के बारे में बातें किए जा रहे हो, मुझे ये पसंद नहीं है। वो किसी और के साथ भाग गई है तो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते क्या? सॉरी गलत हो रहा है, गलत रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रे, ये तो बात बिगड़ गई। नहीं प्रिया, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तो फिर क्या? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाओ और बोल दो, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। नहीं प्रिया, मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। Just say I love you, enough. I come on. Love you. Oh God, Shiva. Hey, Shiva. मुंबई में पब्लिश होने वाले सारे पेपर में उस लड़की की फोटो आई है, फिर आप लड़की से ही पूछ के देख लीजिए। कंप्लीट फोटो लिस्ट की वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन लड़की का आता पता नहीं है। उस लड़की को ढूंढने की एक उम्मीद भी नहीं बची, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लड़की इस मुंबई शहर की तो नहीं है। इसलिए उस लड़की को मैं ढूंढ तो नहीं सकता,
लेकिन एक काम कर सकता हूँ, जैसा कि मुझे पता चला है कि उसके लिए तुम्हारे दिल में कुछ है, प्यार करते हो ना उससे? एक कॉल कर लेता हूँ। शिवा, फंस गया यार, फंस गया मैं तो। क्या हुआ? मैं, प्रिया और सोना तीनों एक ही जगह पे मिल गए यार। क्या कहा, ऐसे कैसे हो गया? हाँ यार, लिफ्ट में फर्स्ट फ्लोर पे मैं चढ़ा, सेकंड फ्लोर पे प्रिया चढ़ी, दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, थर्ड फ्लोर पे सोना चढ़ गई वे, फिर मैंने बातें करने बंद कर दी, वो दोनों मुझे देखकर बातें करने लगी, दसवें फ्लोर में हम सब बाहर आ गए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना परेशान हुआ हूँ यार। उस लड़की का मैटर क्या है जानते हो? हम लोगों ने तो उसका नाम रखा है सोना, लेकिन उसके बाप ने उसका नाम मीना रखा है। मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ भाई, इस मामले को तू यही छोड़ दे, तुझे नहीं छोड़ना है तो मत छोड़, तू देख ले मैं तो जा रहा हूँ। वो शिवा से ले लेना भाई। प्रिया, कल तुमने सोना को देखा था ना? हाँ देखा था। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं सोना नहीं हूँ। और क्या सुनना चाहते हो बताओ तुम? नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब कुछ मत बोलो, अब तक जितना बोल चुके हो वो काफी है, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अपने आप को समझते क्या हो? कैसी आवाज कर रहे हो? कहीं के गुंडे हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की पर तुमने सुना ही नहीं। ठीक है, अब इसी बहाने कम से कम मेरे पास तो आई, तुमसे बात करने का बहुत मन था इसीलिए ऐसा किया। प्रिया, प्रिया रोको तो, प्रिया, प्रिया तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्यों मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बोलो प्रिया। तुमने मुझे फंसाया है। इस बहाने तुमसे पैसे लिए क्या? या तो मैं प्रेग्नेंट करके कहा कि तुमसे शादी नहीं करूंगा? उससे भी ज्यादा किया है तुमने। इस दुनिया में हर कोई कभी ना कभी किसी को फंसाता है। नहीं फंसी, कोई बात नहीं, गुस्सा मत हो। किसी को साथी बनाने से पहले, उससे लॉ करने से पहले कोई सोचता है कि नहीं? मगर तुमसे लॉ करने से पहले मैंने जरा सा भी नहीं सोचा। तुमसे प्यार का इजहार करने के लिए यही रास्ता नजर आया मुझे। हाँ ये सच है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। प्रिया मेरी कहानी झूठी हो सकती है लेकिन प्यार झूठा नहीं है। पर तुमने मना कर दिया तो मेरा प्यार झूठा हो जाएगा और कहानी सच्ची हो जाएगी। उस कहानी में सोना की जगह तुम होगी प्रिया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ प्रिया। प्रिया मैं तुमसे दिल से कह रहा हूँ, आई लव यू प्रिया, आई लव यू। और सारा नाटक इसी के लिए था। Thank you.
भैया मैंने बताया था ना मेरी फ्रेंड प्रिया। तुम इसके बारे में नहीं जानते लेकिन ये तुम्हारे बारे में सब जानती है। टीवी पर आपने जो इंटरव्यू दिए थे ना मैंने सारे इंटरव्यू देखे हैं। दरअसल शिवा ने ही सारे दिखाए थे। मुझे सच में इस बात की खुशी है कि आप कितने टैलेंटेड हैं। ऐसे हालात में भी आपने कितने बड़े बड़े कमाल करके दिखाए हैं सच में सुनकर ताज्जुब होता है। इसलिए मैं हमेशा शिवा से कहती हूँ कि उसने जिंदगी में कोई भी काम ढंग का नहीं किया। बताओ कोई काम किया है क्या? अच्छा झूठ बोलता है, अच्छा प्यार करता है, द रियल किंग। ओए क्या ओए, जिंदगी में कोई भी काम ढंग से किया है क्या बताओ? एक बात बताऊं, अगर आप दोनों में से पहले मैं आपको देखती ना तो आपसे ही प्यार कर लेती। शिवा तुमने अपने भाई से हमारी शादी की बात की है? की है ना। क्या कहा उन्होंने? शादी 3 महीने के बाद करवाएंगे। क्यों, वो मुझे पसंद नहीं करते? नो, तुम उन्हें बहुत पसंद हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो हमारी शादी बहुत धूमधाम से करवाना चाहते हैं इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। तो तब तक हम क्या करेंगे? कोई आइडिया निकालता हूँ। भैया आओ आओ ना, कहाँ ना आओ। भैया ये मेरा फ्रेंड विक्की है और ये प्रिया के पापा मिस्टर लक्ष्मण। अरे तुम दोनों तो कॉपी लग रहे हो, पिताजी की जेरोक्स की दुकान थी क्या? इससे तुम्हें कितना शौक लगेगा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हारी सोच के हिसाब से शादी करना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। देखो गुस्सा मत होना, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। एक ही छोटा भाई है, घर में पहली शादी है और इस शादी को बहुत धूमधाम से करना चाहते थे लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं खुद तो कुछ कमाता नहीं तो फिर
घर में छोटी बहन भी है, ऐसी हालत में धूमधाम से शादी करना मुझे ठीक नहीं लगा। लड़की का बाप मैं हूं, मैंने फील नहीं किया। तो फिर ये बताइए आप फील क्यों कर रहे हैं? अरे अरे, हर कोई फील करने में लग गया है। रजिस्ट्रार सर हाथ में पेन लेकर के फील कर रहे हैं। अब बिना सोचे समझे फटाफट सबको फील करवा दीजिए। भाभी। ओ मेरे बच्चे, खुश रहे। विटनेस कौन है? भैया, भैया। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, सब लोग मिलके एक फैमिली की तरह रहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। आपका क्या है, आप तो फॉरेन में रहते हैं ना, हम तो आसपास रहते हैं इसलिए मुलाकात हो ही जाती है, और ये जरूरी भी है। पर क्यों? शिवा जहाँ पढ़ता है वहाँ से हमारा गांव 55 किलोमीटर की दूरी पर है। वो तो मिलने आने से रहा, इसीलिए हमने तय किया है कि हर संडे हम लोग एक साथ रहेंगे और खाना खाएंगे, इसीलिए सबका एक दूसरे से मिलना हो जाता है। बहुत खुशी की बात है। एनीवे, मुझे अर्जेंटली जाना होगा, आज शाम की ही फ्लाइट है, लेकिन अगले महीने मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ रहने आऊँगा। देवा, अब तुम्हारा ये फर्ज है कि मेरी बेटी को तुम अच्छे से संभालो। क्या शीला? भैया चुपचाप चले जाओ, भाभी आ जाएंगी। क्या थोड़ी देर के लिए सबर नहीं कर सकते? भाई का कुछ काम था।
कैसे हो भैया? क्या है भाई ये? इनसे क्या पूछ रहे हो? रात को चुपचाप रूम में सोना चाहिए था ना। कार बनाने के लिए किसने कहा? इनको लगता है हर काम ये खुद ही करेंगे, ये भी नहीं सोचते क्या टाइम हुआ है। चे सर प्लीज डोंट गेट अपसेट। अरे नहीं जी, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर काम में जिद करते हैं। मैं ही कुक करूंगा, मैं ही गार्डन ठीक करूंगा, मैं ही कार क्लीन करूंगा। रात को 11 बज रहे थे उस समय। रात के? और नहीं तो क्या, हमें हनीमून पे भेजने के लिए कार ठीक कर रहे थे, कार के चक्कर में हाथ कटवा लिया। आप ही बताइए ये कोई तरीका होता है काम करने का? हमेशा हमारे बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है ना सर, अब क्या कर सकते हैं, अचानक हो गया। अब एक्सीडेंट तो ऐसे ही होता है ना। वैसे तो हमारी भी एक मीटिंग आज होनी थी, सर को अटेंड करने के लिए मलेशिया जाना था। मलेशिया? वर्ल्ड एडवर्टाइजमेंट कॉन्फ्रेंस मलेशिया में हो रहा है। इंडिया की तरफ से 5 कंपनी सिलेक्ट हुई है, उनमें से एक अपनी कंपनी है। आपने अचानक शादी कर ली इसलिए उन्हें अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। वो आज जाने वाले थे पर अब क्या करेंगे हम? मैं चला जाऊंगा। हाँ? क्या? नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं? मैंने कहा ना मैं जाऊंगा, शाम को ही फ्लाइट पकड़ के चला जाऊंगा। सर मैंने कहा ना, जाओ जाके तैयारी करो। ओके। प्रिया आज शाम को मैं चला जाऊंगा, तुम यहां रहकर भाई की देखभाल करना। हम अपनी सुहागरात भी नहीं मना पाए, पति पत्नी को लेकर हनीमून पे जाता है, उसकी जगह मैं तुम्हें यहां पर छोड़कर बिजनेस के लिए मलेशिया जा रहा हूं, और वो भी 15 दिन के लिए। किसी भी लड़की को दुख तो होगा ही, तुम्हारा सोचना गलत नहीं है। जी जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम नहीं जाते तो मुझे बुरा लगता, तुम कितनी तकलीफ सह रहे हो और मैं इतना भी नहीं कर सकती। तुमने मुझे अपनी जिंदगी में जगह दी, मेरे लिए इतना ही काफी है। एक्चुअली तुम अपने भाई की मदद करते हो, ये मुझे अच्छा लगता है, वरना तुम यहाँ रहकर तड़पते रहते तो मुझे बहुत बुरा लगता। तुम बहुत अच्छे हो शिवा, आई लव यू शिवा। किसी बात की फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। क्या हुआ, ठीक से सोई नहीं? सारा शरीर गर्म हो चुका है, डॉक्टर ने कहा कि आपको आराम करना होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर हूँ, आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। आराम कीजिए, मैं जो खिलाऊंगी वो आपको खाना पड़ेगा। खुशबू अच्छी है ना? साबुन, खुशबू वाला साबुन, इसकी एडवर्टाइजमेंट आपने ही की थी। हाय दुकान वाला, हाय 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 हाय। ए क्या कर रहे हो तुम? दिखता नहीं है, चाय पी रहा हूँ मैं। प्यास लग रही है, मुझे भी देना। अरे चुप, पता नहीं किसने से क्या मांगना होता है। मेरी बात तो सुना। अरे सुन, बेकार आदमी। भाई जरा आप ही दो ना। पहले का पैसा क्लियर करो पहले। पहले के 100 रुपए में से अभी और 50 बाकी है। हाँ। पहले वो दे दो ना। तो मुझे फर्टीचर समझ के इंसल्ट कर रहे हो? ए, हाँ, मैंने बोला ना पहले का पैसा क्लियर कर दो। मुझसे पैसे मांगता है तू? हाँ? पैसे मांगता है तू मुझसे? हाँ? देता हूँ। वाँ 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 वाँ। हाँ? ये तो 500 रुपया है। कभी देखा नहीं क्या? चुपचाप अंदर रख ले, तेरे जो पैसे इसमें से काट ले और बाकी जो बचेंगे अपने पास रख ले, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ए, इनको जो चाहिए वो दे दो, इन्होंने आज 500 रुपया दिया है। आज से मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। इस बैग में क्या है? एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मैं बाथरूम जा रहा हूँ बोलकर बैग रख कर गया मेरे सामने, बाहर आया तो उसे बैग मिला ही नहीं। क्या हुआ? मैं लेकर चला आया। ओ गरीब पब्लिक, आज से आप लोगों का एकदम मुफ्त में इलाज होगा। भाई साहब आओ। भाई आपको क्या चाहिए? आप जो बोल रहे थे वो मैं सुन रहा था। है है? आप हमारे लिए भगवान तो की क्या तुम बकरे की बलि चढ़ाने वाले हो? नहीं सर, मुझे दवा चाहिए। दवा चाहिए तो दुकान में जाकर लो ना। लेकिन वो पैसा मांग रहा है। तो फिर डॉक्टर के पास जाके लो। वो फीस मांग रहा है। ए,
मैं क्या तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या? यहाँ पे क्या फ्री की दुकान खोल के रखी है? शटा। भाई, उंगली नीचे रखो। अभी 500 दिया ना। सॉरी, मैंने आपको कुछ बोल दिया। मुझे ऐसा वैसा दुख बर्दाश्त नहीं होता है भाई। 6 बजे के बाद पार्क में आ जाओ, तुम्हारा पूरा चेकअप करके मैं दवा दे दूंगा। नहीं सर, मैं पार्क में नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 5 बजे के बाद दिखाई नहीं देता। माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी। बाप रे, आई एम वेरी सॉरी। आप यही बैठिए, मैं चेक कर देता हूँ। नहीं सर, मैं बैठ नहीं पाऊंगा। क्यों? मुझे पाइल्स है। मुझे अंदर का और बाहर का दोनों पाइल्स है। तुम्हारा नाम क्या है भाई? आदि मानव। नाम तो अच्छा है, हाथ दिखा, देख कर बताता हूँ। नहीं सर, मैं हाथ नहीं दिखा सकता। चाहे तो आप पकड़ के देख लीजिए। वो क्यों? 2 महीने पहले मुझे लकवा मारा था। तब से दोनों हाथ बेजान है। वो लकवा नहीं है, पक्का पनौती है। बहुत दुखी हो, एक चाय पियोगे क्या? अरे रे, मैं टी और कॉफी नहीं पीता हूँ सर। क्यों, आदत नहीं है क्या? नहीं सर, मुझे शुगर है। शुगर है? कितने दिनों से? पहले ब्लड प्रेशर था, अब शुगर हो गया। ब्लड प्रेशर भी है क्या? टीबी होने के टाइम पे बीपी हो गया था सर। जगह ठीक नहीं है, चलो चल के बात करते हैं। सॉरी सर, मैं दूर तक नहीं चल सकता। क्यों? मेरी सांस फूल जाती है। अरे बेचारा, एक शरीर में 1 करोड़ बीमारी। सर, आप जो भी बोलना चाहते हैं, है? इस तरफ आके बोलिए सर। क्यों बे? जब से मुझे जॉन्डिस हुआ है, इस तरफ सुनाई नहीं देता है ना सर। अभी मैं तेरा क्या करूँ बोल। एक दवा, एक ही दवा, उसी से मेरी सारी बीमारी दूर हो सकती है। रुक जा बे दुकानदार, मैं ही रील कर लेता हूँ। क्यों बे? शाम को 5 बजे के बाद दोनों आंखें बंद हो जाती हैं, कान बहरे हो जाते हैं तेरे, दोनों हाथ ढीले पड़ जाते हैं, तेरी सांस फूल जाती है, और साथ में तुझे पाइल्स भी हो गया है, और तेरे पैर में किल भी चुभ गया है, और ये सारी बीमारी एक ही दवा से ठीक होनी चाहिए। करता हूँ बेटा, अभी ठीक करता हूँ। हाय रेडी, ये ले एक ही दवा। ये क्या है, खाने के बाद लूँ क्या? यहीं पे खाना है बे। 3 टाइम क्या? एक ही टाइम। थैंक्स, यही उम्मीद थी मुझे। क्योंकि अगले टाइम के लिए तो जिंदा नहीं बचेगा। वाई? क्योंकि ये चूहे मारने की दवा है। हाँ बे, इंसान का इलाज कर सकते हैं, लेकिन तेरे अंदर इंसान वाले कोई लक्षण नहीं है, इसलिए मैं तेरा इलाज बिल्कुल नहीं कर सकता। ये ले पैसे, चुपचाप ऑटो पकड़, शमशान में जाके किसी चिता पे लेट जा। अंतिम संस्कार के पैसे भी बचेंगे और तुझे वहाँ तक ले जाने का टाइम भी। हाँ, ये तो यही निकल लिया। लगता है सारा खर्च मुझे ही करना पड़ेगा। हेलो प्रिया। शिवा, शिवा कैसे हो तुम? कैसे? He's fine. और 2 दिन के बाद तो पट्टी भी निकाल देंगे, डॉक्टर ने कहा है वो अच्छा कर रहे हैं। टीला कैसी है? She's fine. दादी के साथ मार्केट गई है, अभी आ जाएगी। और तुम कैसे हो? सब ठीक तो है ना वहाँ पर? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मैं भी सच में बहुत खुश हूँ। संभल कर रहना और भाई का ध्यान रखना। चक्की से निकाला हुआ मीठा तेल सर में लगाकर और अच्छे से मालिश करके उसमें शीकाकाई मिलाकर घिस करना है तो पता है कैसा लगेगा? वो सब नहीं करोगी तो चलेगा, लेकिन आंखों के अंदर तेल गया, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे नहीं नहीं, कम से कम आधा घंटा सर पर तेल लगाकर रखोगी तो अच्छा रहेगा। भाभी ठहरो, मैं आती हूँ। अपनी आंखें मत खोलना। अरे बाप रे। शीला,
जल्दी ही ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी। शीला क्या हुआ? शीला आ रही हूँ भाभी। एक्चुअली प्रिया सोचा मलेशिया से थोड़ा गोल्ड ले लूं, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं मिला, इसलिए जल्दबाजी में एक शॉप में घुस गया और तुम्हारे लिए एक ड्रेस ले ली। तुम्हें ड्रेस पसंद आई ना प्रिया? हाँ प्रिया, इतनी डल क्यों लग रही हो? नहीं तो नहीं, तुम डल लग रही हो। तुम्हारा चेहरा 15 दिन पहले जैसा नहीं है। दादी ने कुछ कहा क्या? नो नो। तो शीला ने? छी, भाई ने? भाई तुमसे क्या कहेगा, उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता। शिवा, तुम अपने भाई के बारे में क्या सोचते हो? नहीं यही पूछ रही थी। मेरा भाई बहुत अच्छा है, उससे होशियार है। आज हमारे पास जो कार, बंगलो, लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ मेरे भाई की वजह से ही तो है। उसने मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं उसकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर पाया। सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो कैसे खुश होंगे। तुम अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो ना? जरूर। तुम्हारा भाई अगर तुमसे कोई चीज मांगे तो? मेरे पास है ही क्या उन्हें देने के लिए। ऐसा अगर हो तो? ओके, अगर है तो मैं मांगने से पहले ही उन्हें दे दूंगा। तुम्हारा भाई अगर मुझे मांग ले तो? देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। What? मैं जानती हूँ तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे शौक उनकी गलत हरकत की वजह से नहीं लगा है। तुम उनके बारे में क्या सोचती हो ये सोचकर शौक लगा है? तुम आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वही तो कह रही हूँ, वो जिन नजरों से मुझे देखते हैं वो मैं ही महसूस कर सकती हूँ। क्या बार बार देखना देखना कह रही हो, क्या देखते हैं? वो मुझे देखते हैं, मेरी आंखों में देखते हैं, मेरे होठों पर देखते हैं। कैसी बातें कर रहे हो, बस देखते ही तो है ना, और क्या करते हैं? तुम बिना देखे बात कर सकती हो, मैं बिना देखे बात कर सकता हूँ, तुम्हें भी सुनाई देता है, मुझे भी सुनाई देता है, लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं है। होठों को देखकर, आंखों को देखकर उसे बात समझ में आती है, और तुम इसका गलत मतलब निकाल रही हो। नहीं वैसी बात नहीं है, देखने देखने में फर्क होता है, मैं समझ सकती हूँ वो कहाँ देखते हैं, क्यों देखते हैं, मुझे सब समझ में आता है। पर तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। कहाँ देखते हैं? पूरे शरीर को देखते हैं। मुझे बोलने में भी शर्म आती है, मुझे नफरत हो गई है उनसे। ऐसी नजरों से देखते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अगर तुम मेरी जगह होते तभी ये समझ पाते। मैं कभी ये बात नहीं मान सकता। किसी घर में ऐसा होता है क्या? लेकिन इस घर में ऐसा हो रहा है। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। ये आंसू बहाने से मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। अगर ये कोई मामूली बात होती तो मजाक में उड़ा देता, पर फैमिली में अगर तुम इस तरह के शक करोगी तो फैमिली बर्बाद हो जाएगी। मैं शक नहीं कर रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है। He wants me, वो कैसे भी मुझे हासिल करना चाहते हैं। ऐसा क्यों लगता है? जो कुछ हुआ है उसी को लेकर कह रही हूँ। 15 दिन से उनके साथ रह रही हूँ, सब जानती हूँ। 25 साल 10 महीने से उसके साथ हूँ मैं, उसकी रग रग से परिचित हूँ, तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हा? ये देखो प्रिया, अच्छे नजरिए से सोचोगी तो सब अच्छा ही लगेगा, गलत नजर से सोचोगी तो सब गलत नजर आएगा। तुमने भाई के बारे में जो कहा वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। प्लीज आगे से ऐसा मत कहना, मेरी खातिर कभी मत कहना, प्लीज।
क्या भाभी? क्या क्या हुआ? सुहाग रात के दिन ही भैया मलेशिया चले गए। मुझे कितना बुरा लग रहा है पता है? आपको बुरा नहीं लग रहा है? हाँ भाभी बोलो ना। अरे शीला स्कूल का टाइम हो गया बेटा। मेरे भाई को कहीं देखा? वो कहाँ होंगे? मैं यहाँ हूँ तो आस पास ही भटक रहे होंगे। क्या कहा? पता नहीं, मुझे नहीं पता। ओ तो कहीं नहीं देखा, घर के मुखिया है वो। भाई आप ही को ढूंढ रहा था। भैया मलेशिया से आपके लिए एक पेन लेकर आया हूँ, कॉस्टली पेन है, आपका फेवरेट कलर, लीजिए जरा लिख कर देखिए। शिवा क्या है? अपने भाई से लिखने के लिए क्यों कह रहे हो? ये मेरा सेंटीमेंट है, कभी भी कुछ भी लेकर आता हूँ तो भाई को देकर ही यूज करता हूँ, बचपन से ही। जैसे कि अगर मैं शर्ट लेकर आया तो पहले एक बार उन्हें पहनाता हूँ, उसके बाद मैं पहनता हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। नॉट ओनली शर्ट, कार, बाइक, कोई भी चीज। कार बाइक ओके, लेकिन ये पेन है फिर भी? क्यों भाई पेन बढ़िया है ना, लाइए दीजिए। भाई मैं रिकॉर्डिंग थिएटर जाकर वापस आता हूँ, आप सीधे ऑफिस में आ जाना, चलता हूँ प्रिया, बाय। मुझे बताओ क्या लिखा है। क्या लिखा है बताओ, बताओ मुझे क्या लिखा है। पेन सिर्फ यही नहीं, तुम भी चाहिए। शिवा जरा जल्दी आएंगे प्लीज। क्यों? आएंगे तभी तो बताऊंगी। जल्दी मतलब? 5 o'clock तक। इतनी जल्दी नहीं आऊंगा, 10 तो बज ही जाएंगे। 10 बजेंगे? 6 बजे तक आ जाओ प्लीज। आज हमारे ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, मुझे और भाई दोनों को वहां रहना पड़ेगा। कल चाहिए तो 3 बजे आ जाऊंगा या छुट्टी ले लूंगा, पर आज मत बुलाना प्लीज। आप आ सकते हैं या नहीं? कैसे आ सकता हूँ, मुझसे ज्यादा ऑफिस जरूरी है क्या बताओ? प्रिया जाने दो, छोड़ो। ए, जल्दी आने की जिद कर रही हो, ऐसा क्या जरूरी काम है? अगर काम नहीं पता है तो जाने भी दो, बस घूमते रहो। देखो प्रिया पहले मैं लवर था, जहाँ तुम कहती थी वहाँ लेकर चला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ओहो क्या ओहो, तुम्हें ये सब खेल लगता है क्या? मर्द को घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो निभानी पड़ती हैं, और तुम्हें तो हमेशा घर में ही रहना होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्या? ये बताओ पति काम करने क्यों जाता है? कमाने के लिए, तुम्हारे लिए, इन सब के लिए, और हमारे आने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए इतना ज्यादा काम कर रहे हो, है ना मिस्टर शिवा? हाँ, that's right. मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्यों? बच्चों के बारे में बातें करती हो पर कुछ याद तो रहता नहीं है तुम्हें। आज 18th है। प्रिया? आज हमारी फर्स्ट नाइट है, आज 18th है। ओ, मतलब 3 दिन बाद। ओह, मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज कंपनी और मीटिंग रहे ना रहे, ठीक 6 बजे मैं वापस आ जाऊंगा। देखना रात को मैं क्या करता हूँ। वैसे क्या नाइट ही रहेगी? फर्स्ट डे नहीं हो सकता? ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई कानून है क्या? नहीं हो सकता फर्स्ट डे।
भैया अब चल चलते ब्रीफकेस ओ आप लेकर आ गए। शाम को 6 बजे आऊंगा, तैयार रहना। हेलो, देवा सर की पीए सुधा बोल रही हूँ। क्या हुआ सुधा, शिवा निकल गए ना? आधे घंटे पहले ही निकलने वाले थे, तो क्या हुआ? इसके लिए ही तो फोन किया है। कहाँ से बोल रही हो तुम? माउंट रोड से। माउंट रोड से? आज कॉन्फ्रेंस नहीं है क्या? नहीं। क्यों? बोलो ना सुधा। दरअसल एक छोटा सा। क्या क्या छोटा सा? सिर्फ कार ही डैमेज हुई है, उनको जरा भी चोट नहीं लगी। आप चिंता मत करिए, वो बिल्कुल ठीक है। सुधा अब लाओ मुझे दो। एक मिनट। हाँ हेलो शिवा, शिवा क्या हुआ बताओ मुझे। प्रिया मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो क्या है, कार के ब्रेक फेल हो गए थे, साइड के प्लेटफॉर्म से ठोकर लगे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी, आने की जरूरत नहीं है। प्रिया मैं 10 मिनट में घर आ जाऊंगा, तुम फोन रखो। मुझे पता है उसने ही कुछ किया होगा, मैं पहले से जानती थी। कार चलाओ तो पहले ब्रेक, ऑयल, सीट, सब कुछ चेक कर लेना, ठीक है? उसके बाद ही कार लेकर जाओगे, ठीक है? तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। प्रिया मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बेकार में क्यों रो रही हो? भाई जाओ मैं देख लेता हूं। प्रिया क्या है ये? क्यों रो रही हो? मैं आ गया हूं ना।
मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ। तुम मेरी बता अब यहाँ पर क्या, क्या हुआ? मैंने तुम्हारे भाई को गले लगा लिया था। ओहो, तो तुम्हें पता ही नहीं चला। ए, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बीवी ने किसी और को गले लगा लिया और तुम हंस रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे कितना दुख हो रहा है, मुझे कितनी शर्म आ रही है और तुम होके खड़े खड़े हंस रहे हो। ए, गलती की है सिर्फ तुमने और गुस्सा तुम हम दोनों पर उतार रही हो। ठीक है, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन वो भी तो मुझे रोक सकते थे ना, उनका फर्ज नहीं था। वो एक बार भी नहीं क्या बोले किया? वो चुपचाप खड़े रहे। तो और वो क्या करता, वो बोल थोड़ी सकते है? वो बोल नहीं पाते, मैं उनसे गले मिल रही थी और वो चुपचाप खड़े मुझे देख रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि दूर रहो मुझसे, मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ शिवा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, मैं कितना डर गई थी। वो जैसे ही अंदर आए मुझे लगा कि तुम और मैंने उन्हें गले लगा लिया। वो बस एक जगह खड़े रहे और मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। ये कितनी गलत बात है, वो चाहते तो मुझे खुद से दूर कर सकते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी बात सुनो प्रिया, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हर आदमी अपने हिसाब से मतलब निकालता है। तो तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। मैं अपने भाई की बुराई नहीं सुन सकता। बस डेली एक ना एक नया नाटक करती हो, हर चीज को गलत नजर से देखती हो, कंप्लेंट करती रहती हो, झगड़ा करती रहती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये बात सही है, लेकिन इसी तरह से तुम मुझे टॉर्चर करती रही तो डर है कि कहीं एक दिन मैं तुम्हें खो ना दूं। प्रिया, वही डर मुझे भी है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दिन अलग हो जाएंगे। वो वही चाहते हैं, वो हमें अलग करना चाहते हैं। वो हमेशा मुझे बुरी नजरों से देखते रहते हैं। मैं जानती हूँ तुम मुझे उनके लिए छोड़ दो। ऐसी बातें मत करो प्रिया, मैं और वो एक ही कोख से पैदा हुए और साथ साथ ही पले बड़े हैं। तुम उन्हें इतना गलत क्यों समझती हो? तुम दोनों अपनी माँ के कोख में एक साथ रह सकते हो, लेकिन एक औरत के साथ तो नहीं रह सकते ना। खानदानी लड़कियां ऐसी बातें करती हैं? खानदान की बात कर रहे हो? पता है शिवा, बड़े ही अजीब इंसान है वो। उनका कैरेक्टर अलग है, तुम्हारा कैरेक्टर अलग है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे बुरी नजरों से देखते हैं। हमारी पहली रात को ही तो मलेशिया चले गए, पूरे 15 दिनों के लिए। मैं यहाँ अकेले रही, कैसे रही मैं ही जानती हूँ। उन्हें मुझे संभालना चाहिए था, लेकिन मैं उन्हें संभाल रही थी। उन्हें किसी बात का एहसास नहीं है। वो ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। किसी और की पत्नी को हासिल करने के बारे में सोचते हैं। धीरे बात करो, वो ऊपर ही है। वो नीचे होंगे तब भी नहीं सुनेंगे। अच्छा हुआ भगवान ने भाई को गूंगा बहरा बनाया, वरना उन्होंने ये सब सुन लिया होता ना तो वो खुद ही अपनी जान दे देते। ऐसा मत कहो, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर वो सुन सकते ना तब भी हमारी बातें अनसुनी करते। वो चाहे तो तुम्हें मारकर मुझे हासिल कर सकते हैं। प्रिया! हाय फ्रेंड्स, हाय 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 हाय। क्या दुकान में बैठकर ये लोकल पेपर पढ़ रहे हो तुम लोग? आए, अरे कोई इंग्लिश पेपर रखो तब तो मजा आए भाई। क्या सिर्फ इंग्लिश पेपर ही पढ़ते हो क्या? अबे पढ़ने के लिए कौन मांग रहा है बे? वो क्या है कि उससे पैसे ज्यादा मिलेंगे ना। वाह क्या बात बोली। मैच बॉक्स प्लीज। आपको पहली बार देख रहा हूँ। सिर्फ यही दे रहा है? सिगरेट कौन देगा? थैंक यू, मैं तुम्हें बार बार देखता हूँ। जब घर से बाहर निकलते हो तो सिर्फ मुंह लेके ही बाहर निकलते हो क्या? Yes. वो भी मैं उधार दे देता हूँ ना। अबे हिलते डुलते सूखे करेले कहीं का, उसमें चाय लेके डाल। गांव के कमिटी ने विकी को पकड़ने के लिए पुलिस के साथ टीम बनाई है। पुलिस कमिश्नर ने ऐसी घोषणा की है। फंस गया बे, पकड़ लेंगे क्या? मुझे कौन पकड़ेगा, खुद सरेंडर हो जाऊंगा।
देख लिया, तुम मेरे भाई को गलत कहती रहती हो ना, देखा वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। मैं उन्हें गलत नहीं कहती, मैं भी तो वही कह रही हूँ, तुम्हारे भाई मुझसे प्यार करते हैं। उस प्यार और इस प्यार में फर्क है प्रिया, किसी और ने तुम्हें छू भी लिया तो देखा उन्होंने क्या किया। हाँ, तुम्हारा छूना उन्हें पसंद नहीं है तो किसी और को कैसे छूने देंगे। देख रहे हैं, मैं आपकी वाइफ की फ्रेंड हूँ। मैं कैसे जानती हूँ ये सोच रहे हैं? आपके प्यार करने से लेके प्रिया से शादी होने तक मैं सब जानती हूँ। आपने अचानक शादी कर ली इसलिए मैं नहीं आ पाई, वरना जरूर आती। मामा, प्रिया कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो बता सकती हो, बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वहां जो खड़ा है ना, वही है और कुछ नहीं। वो प्रॉब्लम कैसे? जानती हो वो क्या करता है? मैं जहां जहां जाती हूँ पीछे पीछे आता है, हमेशा मुझे घूरता रहता है। जब देखो मुझ पर नजर रहती है उसकी। शॉपिंग करने जाऊं तो वहां आता है, इवनिंग वॉक पर जाऊं तो वहां पीछे पीछे आ जाता है, ऑफिस से आने के बाद पूरा दिन घर पे ही रहता है, बस मुझे घूरता रहता है और कुछ तो काम नहीं है उसे, हमेशा मेरे सामने रहना चाहता है। ए, तुम ऐसा क्यों कह रही हो जैसे कि वो कोई गलत काम कर रहे हो? तुमने शादी की है, वो तुम्हारे पति है, तो तुम कंप्लेन क्यों कर रही हो? अरे वो मेरा हस्बैंड नहीं है, वो मेरे हस्बैंड के भाई है, दोनों ट्विंस है। क्या कहा फिर से बताना। क्या वो तुम्हें हासिल करना चाहता है? उसने हासिल कर लिया ऐसा सोचता है, इसलिए तो ये सब कर रहा है, हमेशा शिवा को मुझसे दूर रखने की कोशिश करता है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, अभी तक हमारी फर्स्ट नाइट भी नहीं हुई है, आज हो जाएगी ऐसा ही सोचती हूँ, कुछ भी करके वो शिवा को दूर कर देता है। प्रिया मेरी बात सुनो, तुम अपने हस्बैंड को लेकर कहीं और चली जाओ। वो अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो? मैं तुम्हारी जगह होती पता है मैं क्या करती? पहले तो मैं उसे छोड़ती और उसके साथ साथ उसे 4 गालियां भी देकर जाती। नहीं उमा, वो मेरे साथ कहीं नहीं जाएंगे, अगर चले गए तो बहुत दुखी होंगे और उन्हें दुखी देखकर मैं खुश नहीं रह सकती। चाहे कुछ भी हो मैं उन्हें प्यार से समझाऊंगी। प्रॉब्लम तो सिर्फ देवा ही हमारे बीच, उसे ही ठीक करना होगा, शिवा कुछ नहीं कर सकता, धीरे धीरे मुझे ही सब संभालना होगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। पर कब? बहुत ही जल्द। What happened was the burglar knocked me down and resisted and it got ugly. I don't think Michael took it too well. He didn't quite put it that way. It's not a TV show out there, Mrs. Carr. You know, the reality gets to... Dude. Never seen it up close like you mean that. Violence. Look. When I first started out, I went on a routine call. Right? This young kid, he was high. She could have been more than 15, 16, sweet girl, blonde. So I didn't pay her much attention. And I was reading. The kid is right. So now I restrain.
क्या हुआ? नींद आ रही है? वो तो आएगी। दूध में नींद की गोली जो मिलाई थी मैंने। अब सो जाओ चुपचाप। अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। वरना तुम्हारे रहते तो हमारी फर्स्ट नाइट हो ही नहीं सकती थी। बहुत ही गंदा दिमाग है तुम्हारा, इसीलिए मुझे तुम्हारी ही तरह इस तरह की हरकत करनी पड़ी। दिल तो करता है कि तुम्हारी जान ले लूं, पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूं, तुम्हें जेल में भिजवा दूं, पर शिवा के बारे में सोचकर ये सब नहीं करती। वरना तुम्हारी शक्ल भी इस घर में देखना मैं पसंद नहीं करती। मैं शिवा की बीवी हूं, पर तुम्हें तो ये बात समझ में ही नहीं आती। अब ज्यादा सोचना भी मत, पूरी रात आराम से सोते रहो। अब हमारी फर्स्ट नाइट अच्छे से। प्रिया, शिवा ऐसा क्यों कर दिया? प्रिया, अरे शिवा जाओ। प्रिया, अरे बाप रे शिवा, तुम च्युइंगम खा रहे थे क्या? देवा हमेशा खाता रहता है, सोचा आज मैं भी खा लेता हूँ, और तुमने मेरे साथ ये कर दिया। प्रिया शिवा, शिवा अरे भगवान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो सुनकर तुम शॉक्ड मत होना और ना ही दुखी होना। प्रिया तुम पर शक करती है, पता है क्या कहती है? तुम उसे हासिल करना चाहते हो। मैं यही बात तुमसे कहना चाहता था, लेकिन लगा कि तुम सुनकर नाराज़ होगी। फिर भी कह रहा हूँ क्योंकि कहने से जो प्रॉब्लम होगी वो ना कहने से होने वाली प्रॉब्लम से कम ही होगी। वो कहती है तुम हम दोनों को मिलने नहीं देते, कहती है तुम्हें हमारी फर्स्ट नाइट होने नहीं देना चाहते, और यही वजह है कि उसने तुम्हें नींद की गोली देकर सुलाने की कोशिश की, जिसे धोखे से मैं पी गया। वो नहीं समझती कि ये सब गलत है। वैसे वो अच्छी है, पर शक हो गया है इसलिए परेशान है, और कुछ दिनों से ये ज़्यादा ही हो गया है, पागलों जैसी हो गई है वो। अगर उसका शक निकल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए सोच रहा हूँ कि उसे साइकेट्रिस्ट से चेक करवा दूँ। तुम्हें क्या लगता है? प्रिया, मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला किया है। तुम्हारा भाई पर शक करना और उसे गाली देना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। सोचता हूँ हमें किसी साइकेट्रिस्ट के पास चलना चाहिए, तुम क्या कहती हो? क्या क्या कहा? कुछ नहीं, सोच रहा था साइकेट्रिस्ट से चेक करवा लें। वेरी गुड, अच्छा आइडिया है। हाँ, पर इसके लिए तुम्हारे भाई हाँ कहेंगे? भाई? वो हाँ कहेंगे तभी तो ये हो पाएगा। तुम हमेशा कहते हो ना तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा देते हैं, हमारा शक भी फिर दूर हो जाएगा। ये अच्छा रहेगा, अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं, डॉक्टर चेक करने के बाद अगर कहेंगे कि सब कुछ नॉर्मल है तो फिर मैं बार बार कंप्लेन क्यों करूंगी? अरे लेकिन अभी अपने भाई से हाँ कैसे करवाओगे? अभी मैं हूं ना, अगर मेरे सामने कहोगे और वो चिढ़ गए तो अच्छा नहीं होगा ना। घर में हंगामा करेंगे, प्लेट्स वगैरह तोड़ेंगे, बहुत ज्यादा चिढ़ जाएंगे ना। एक काम करो, तुम्हारे भाई से कहो कि मैं पागल हो चुकी हूँ और उनसे चेक करवाना है। अगर ऐसा कहेंगे तो वो चलेंगे। हाँ, और वहां जाने के बाद उनका चेकअप करवा सकते हैं। क्यों? क्या आइडिया अच्छा है। अब ये पूरा भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, प्लान ओके ना। अब क्या करो?
अगर मैं वैसा नहीं कहती तो तुम अपने भाई के साथ डॉक्टर के पास कभी नहीं चलते। शिवा तुम्हें मानना ही पड़ेगा, मेरा आइडिया बहुत अच्छा है। सर बार बार भूत है ऐसा मत बोलो, मुझे ही डर लगता है। ये गोलियां बता रहा हूँ, आप ले लो। आइए सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मेरे भाई देवा। हेलो। माय वाइफ प्रिया। हेलो। हेलो डॉक्टर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है ऐसा मेरे हस्बैंड ने कहा, तो मैंने तुरंत ही कहा कि हम आपके पास चलेंगे। बैठिए ना। बैठिए ना। नहीं नहीं आप बैठिए। नहीं डॉक्टर मैं खड़ी रहती हूँ, इन्हें बिठाइए ना, इनसे कहिए। कोई बात नहीं आप बैठिए, आपसे एक जरूरी बात करनी है। नहीं डॉक्टर। ए फोन पर इन्हें सब कुछ बताया ना। हाँ हाँ मुझे सब कुछ पता है, इसलिए आपको बैठने के लिए कह रहा हूँ। ये सब क्या है शिवा? प्रिया तुम पहले बैठो ना। मेरा बैठना जरूरी है क्या? अभी तुम्हारे भाई की ट्रीटमेंट करनी है ना। डॉक्टर देखिए आप क्या करेंगे कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इलाज इनका करना है, मेरा नहीं करना है। डॉक्टर आप हटिए, हम आपकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए हैं। अगर आपसे सब सच कह देते तो आप नहीं आते, इसीलिए ये प्लान मुझे ही बनाना पड़ा। आप बुरा मत मानिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए बैठिए। बैठिए ना। अरे बैठिए। मेहरबानी करके जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, पहले तुम बैठो। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं क्यों बैठूं? प्रिया मैंने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया है, कुछ खास बात नहीं है, बार बार शक करने से ऐसा होता है, ये तो शुरुआत है। डॉक्टर ने कहा 10 दिन का कोर्स कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज। डॉक्टर मुझे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ आने वाला हर कोई ऐसे ही बात करता है, आप यहाँ पे बैठिए। ए मुझे कुछ नहीं हुआ। प्रिया बिहेव योरसेल्फ। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये जो खड़े हैं ना यहाँ पर यही पेशेंट है, यही बीमार है, ये मानसिक तौर पर बीमार है। डॉक्टर देखा आपने, ये हंस रहे थे अभी हंसो। प्रिया बस करो प्रिया। देखा ना डॉक्टर, ये हमेशा इनके बारे में ऐसी बातें करती है, वो मुझे देखता है हंसता है, ये करता है वो करता है, परेशान करके रख दिया। नींद से उठकर कहती है तुम्हारा भाई ये कर रहा है वो कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कहती है। डॉक्टर बेटा ऐसे क्यों लगता है तुम्हें? ऐसा होता है, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये ऐसा करते हैं, पूछिए इनसे। उन्हें भी देख लेंगे हम, आप पहले बैठ जाइए। शिवा मुझे कुछ नहीं हुआ है, शिवा सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिया मैंने तुमसे प्यार किया शिवा। ऐसा नहीं है प्रिया। और इसलिए तुमसे शादी की थी और तुम मुझे पागल। ऐसा नहीं है प्रिया। प्रिया प्लीज सॉरी प्रिया। छोड़ो। सॉरी प्रिया। छोड़ो मुझे प्रिया। सॉरी प्रिया मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ शिवा तुम मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, पर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी शिवा, है ना? मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए थी, मैं जानती थी कि तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैंने तुम्हें जो भी तकलीफ दी है उसके लिए मुझे माफ कर दो शिवा, मुझे माफ कर दो। नहीं प्रिया मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं 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 प्रिया मैंने सब बर्बाद कर दिया। सॉरी प्रिया।
आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो एक डॉक्टर के हिसाब से आपको बोल रहा हूं मैं, पहले आप अपने वाइफ को लेकर कहीं घूमने बाहर जाइए, उनके लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा और ये सारी बातें वो भूल भी जाएंगी। भाई डॉक्टर की सलाह पर मैं प्रिया को लेकर एक महीने के लिए गोवा जा रहा हूं। हाँ जी, आपका होटल आ गया। क्या हो रहा है ये? भाई ने इस होटल में हनीमून के लिए एक रूम बुक किया है, कम नहीं, यहाँ नहीं रुकेंगे। क्या? हम लोग हनीमून के लिए गोवा जाने वाले हैं, ऐसा मैंने उमा को बताया था। अरे मैंने तुम्हें नहीं बताया ना, उसका हस्बैंड ना यहाँ नेवी में ऑफिसर है, तुम्हारा हनीमून गेस्ट हाउस में होना चाहिए ऐसा उमा ने कहा था। मैंने भी हाँ कह दिया, तो हम वहाँ चलेंगे, यहाँ नहीं। सिंह साहब जी, डू यू नो कैशोरीना ड्राइव? मालूम है मैडम। तो वहाँ चलिए ना। अच्छा। बहुत मजाक करते हैं भाई साहब। चाहे कुछ भी हो, ऐसी अच्छी जगह हनीमून होना था, इसीलिए ये सब हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आदमी एक ही बार हनीमून मनाता है, लेकिन सर के साथ ऐसा नहीं है, वो कभी भी हनीमून मना लेते हैं। क्या सर, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, ड्यूटी की कितनी टेंशन है भगवान ही जानते हैं। अच्छा सुनो, आप लोगों को कुछ चाहिए तो तुरंत मुझे फोन करना। ओके, पर आज हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, इसलिए फोन नहीं करूंगी, आप लोगों को ही आना होगा। ओके, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू, चलता हूं। मैं भी चलती हूं। वॉचमैन साहब का ख्याल रखना, शाम को मिलते हैं। हाँ। साहब आप यहां कैसे? वो होटल का रूम कैंसिल करके आए हैं क्या? चलिए साहब, मैं आपको गेस्ट हाउस लेके चलता हूं, आइए ना। अच्छा साहब मैं चलूं?
या गलत हूँ? मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन मेरा भाई गलत नहीं हो सकता। भगवान ने अच्छा ही किया जो उन्हें गूंगा बहरा बनाया, वरना वो कब से तुम्हें मार देते और मेरे साथ अब तक अपना घर घर बसा चुके होते। शिवा मेरा यकीन करो, मैं पच्चीस साल दस महीने से उसके साथ हूँ, मैं उसकी रग रग से परिचित हूँ, तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हा? वॉचमैन सामान उठा लो। बाय प्रिया। ए, इतनी क्या जल्दी है? दोनों अंदर आकर खाना खा कर जाओ। चलो ना। नहीं आज लेट हो रहा है, फिर कभी। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, गुड नाइट। बाय। अरे बाप रे, मैं शॉपिंग के आ गई, यहाँ का तो माहौल ही बदल गया। अरे वाह, गाना सुन रहे हो? तुम्हें शॉपिंग के लिए आना चाहिए था, हमने कितने मजे किए पता है? उमा का हस्बैंड इतना सीनियर ऑफिसर है, नेवी में है, फिर भी उसके साथ शॉपिंग पे जाता है, और तुम अभी अभी हमारी शादी हुई है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, तुम चुपचाप यहीं बैठो। अच्छा, तुमने कुछ खाया? कोई बात नहीं, ठीक है, पर अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम इसी तरह गाना सुनते रहो, मैं सब कुछ अरेंज कर कर आती हूँ। दैट्स गुड। दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी आवाज करोगे तो अपने भाई की तरह बहरे हो जाओगे। चलो, सब रेडी हो चुका है। ये बताओ, चावल खाओगे या चपाती खाओगे? चावल खाओगे या चपाती खाओगे? बोलो ना। बोलो। हाँ? ओ, खुश हो क्या? फर्स्ट Thank you.
मेहनत करके खाना बना रही हूँ ना। देखो मैंने फर्स्ट टाइम खाना बनाया है, पहले वो खाना खाओ। एक्चुअली ना मैं भी कब से अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में ही सोच रही थी। इधर आओ ना, कुछ बताती हूँ। अब तुम मुझसे बात नहीं करोगी क्या? खुश हो ना? बदमाश कहीं की। ये राजा, पीछे साउंड आ रहा है, जाके देख जरा। क्या सर? हेलो प्रिया, मैं शिवा बोल रहा हूँ। इससे पहले अपने भाई को फोन किया था? हाँ? फोन किया था अपने भाई को? पता है वही तुम्हें फोन कर रहा होगा, सुधा तुम्हारे भाई का पीए। हाँ, हाँ। क्या कहेगा अभी? तुम्हारे भाई का पैर टूट गया है, तुम्हारे भाई का हाथ टूट गया है, जल्दी आओ, यही सब ड्रामा होगा। प्रिया, मैं शिवा हूँ। क्यों, सही कहा ना? अभी मुझे कुछ भी नहीं सुनना। प्रिया मैं यहाँ हूँ। लाओ दो। मुझे लगता है वो जरूर फिर से फोन करेगा। चलो। नो! कान में क्या कहा था और तुम क्या कर रहे हो? मैंने कान में क्या कहा था, याद करो? याद करो क्या कहा था मैंने? याद करो ना, बोलो बोलो ना, मैंने क्या कहा था? याद है ना मैंने क्या कहा था? बोलो ना क्या कहा था मैंने तुम्हारे कान में? चुप। शिवा, हे भगवान शिवा,
शिवा कहाँ होगा? शिवा, 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 पहुंच पे। अरे, उमा। मैं उमा का हस्बैंड बोल रहा हूँ। सर, सर, मैं प्रिया। प्रिया बोल रही हूँ सर। क्या हुआ? हेलो, हेलो। कहा? Oh, my God.
आज तक न मैं बोल पाया न सुन पाया, लेकिन मैं आज बोल रहा हूं। जो महसूस करता हूं अपनी धड़कनों से वो बता रहा हूं। मैं उसकी तस्वीर अपने हाथ में रखकर देखता रहता था, उसे चाहता था। जब से उसे देखा था उससे प्यार करने लगा था। और एक दिन वो मेरे घर पर आ गई, लेकिन मेरे लिए नहीं बल्कि जिससे प्यार करती थी, मेरे छोटे भाई से मिलने के लिए। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, मैं जिसे प्यार करता था वो मेरे छोटे भाई से प्यार करती थी। उसके पास से मैंने अपने भाई को भाई नहीं समझा, सिर्फ उस लड़की का प्रेमी समझा। मैं हमेशा ऐसी कोशिश में लगा रहता कि वो दोनों कभी भी मिल ना पाए, उनके बीच कभी कोई संबंध ना बन पाए। काश मैंने उसे कभी देखा ना होता। मैं जो कभी सुन नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, लेकिन अपनी इस कमजोरी के लिए मैंने कभी भी भगवान को दोष नहीं दिया था, ना ही ये कमी महसूस हुई। पर अब मैं भगवान को कोसने लगा था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं जिससे इतना प्यार करता था वो मुझसे नफरत करने लगी। वो अपने हाथों से मुझे मारने की कोशिश करती। इसके लिए मैं बार बार भगवान को दोष देने लगा। धीरे धीरे मेरे अंदर शैतान सिर उठाने लगा। मैं खुद को कोसने लगा कि मेरे अंदर चाहत क्यों पैदा हुई। यहां पर मेरा सिर्फ शरीर दफन है, लेकिन मेरे जज्बात, मेरी चाहत हमेशा जिंदा रहेगी।